कैसे आप लोग? बढ़िया। कोरोना चला गया, बचा खुचा भी चला जाएगा। आगे मजा था। अरे आना बिग बॉस का पूछते ना। मैं बिग बॉस कितना भी देख रहे हो, पूरा साल बिग बॉस चलेगा तो इंसान वही देखेगा कुछ काम भी करेगा। कोई बता दो, बता दो क्या काम आ रहा है आप दोनों का? भी कोई आ रहा है कि नहीं प्रोजेक्ट आप दोनों का साथ में? मेरा तो शूट खत्म हो रहा है, दैट्स माय लास्ट डे ऑफ शूट टुमारो। 2021 खत्म हो गया, मेरे लिए बहुत ही घटिया साल था, तो अब 2022 शुरू हुआ है, तो उसके साथ अच्छी खबरें आने लगी है मेरे पास तक। अब जब तक वो आपके पास तक आती है तब तक स्टार्ट हो रही तो देन आई टॉक अबाउट इट, वरना तो फिर बोलती रह जाती हूं, कुछ पता है नहीं होगा। मैम जरूर, बिग बॉस में किसको सपोर्ट कर रहे हो? निशांत, ऑल द वे निशांत, ऑल द वे निशांत। मतलब मेरे वहाँ पे हैं दोस्त, बट इट्स लाइक कि निशांत हैज बीन देयर विद मी सिंस वेरी लॉन्ग टाइम, बी वेरी कंसिस्टेंट। या और आई थिंक सबसे ज़्यादा जिसने किया है पूरे शो में और जितने टाइम से करता आ रहा है ओटीटी से, तो आई थिंक ही डिजर्व्स अ ट्रॉफी नाउ। समिता के बारे में बता दो, समिता समिता प्रतीक एंड निशांत इन तीनों में ओटीटी देगा तो मुझे खुशी होगी, बट निशांत। और उमर रियाज का जो वो फेयर था या अनफेयर था? मेरा फेयर था या अनफेयर था? नहीं नहीं, आपके हिसाब से फेयर था या अनफेयर था, मतलब उनको बिग बॉस से निकालना? मैंने देखा नहीं शो, एंड आई एम श्योर अगर जनता बोल रही है कि अनफेयर तो फिर अनफेयर होगा। आई ऑलवेज गो विद द ऑडियंस। ऑडियंस एक मिनट रुकिएगा जरा, फोटो के लिए थोड़ा पीछे आना। कुछ कैंडिडेट कैंडिडेट करो ना, डालो बूंद डालने हाँ जाओ। बॉस की बात तो सब कर रहे हैं लेकिन कई लोग नाराज भी हैं, उनको जो ये बिग बॉस टर्म ही है वो अब एक मतलब बोरिंग टर्म लगने लगा है, लोग नहीं चाहते हैं इसके बारे में बात करें। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं भी नहीं करना चाहती। सी, अगर आप पूरे साल कोई शो चलाओगे जो ऐसा है कि आप उसमें नए कंटेस्टेंट्स भी नहीं ला रहे हो एज अ वाइल्ड कार्ड, आप सेम जो पिछले 5-6 साल से रगड़े जा रहे हो वो ही आए जा रहे हो, वो आए जा रहे हो, तो आई थिंक ऑडियंस एज अ इट्स अ रियलिटी शो, ऑडियंस वॉन्ट्स टू सी न्यू फेसेस, न्यू ड्रामा, न्यू पीपल। सो अगर आप एक ही चीज़ 36 बार दिखाओगे उनको इतनी आदत पड़ गई है उनके लिए वो एक रियलिटी तो रही नहीं है। ऐसा लगता है जो भी नए लोग आते हैं उनको ये लोग ऐसा कर देते हैं कि एक एक्स्ट्रा होते हैं ना डांसर्स, कि डांसर्स को लिया एक्स्ट्रा और फिर उन्हें निकाल दिया, तो आई थिंक इट्स लाइक द न्यू पीपल दे जस्ट टेक इट टू कवर द थिंग्स अप, वो माहौल बनाने के लिए, उसके बाद उनको लगता है निकालने के लिए भी तो कोई चाहिए क्योंकि बाद में तो उनके लोग आने वाले होते हैं। और ये भी कहना चाहूँगा कोई भी सेलिब्रिटी बनता है, यू नो क्रिएट अ नेम फॉर हिमसेल्फ इन एनी इंडस्ट्री, कुछ टैलेंट होता है, कुछ क्वालिटीज होती है, यहाँ ऐसा लगता है कि फोर्सफुली सेलिब्रिटी स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं। आई विल नॉट क्वेश्चन दैट बिकॉज व्होमसोएवर हैज बीन सीन ऑन टीवी दे बाय द एंड ऑफ दे हैव डन समथिंग, ठीक है, तो सेलिब्रिटी द टर्म I think people misunderstand it. I think celebrity is somebody who has done work and who has been, you know, doing something or the other. Not that the कि आपने ये कर लिया और अब आप hi मैं किसी ने को नहीं देखूंगी bye. ऐसा नहीं होना चाहिए. I think people should be humble. बहुत सारे लोग हैं ऐसे but celebrity term is nothing. It's just you have to be humble by the end of the day. You are a human, you should not forget that. And people think they become God after becoming a celebrity. They don't want to treat people right or media. Sometimes I see the post where media has been like, you know, ki kuch bhi ye ja raha hai, hat ye sab. I don't like that. Because by the end of the day, they are for you. They are making you more famous. They are making you seen by audience. So I think you should appreciate it. And so I think people should really take care of the term celebrity. Lastly, we understand about TV industry ko OTTs ke aane se kitna effect hua, is this a competition or something you want to comment on it? I don't know, I understand that everybody has make their groups, you know, that OTT people are like, no, we just want to take OTT faces, we don't want to encourage TV to come up or nahi ye to TV face hai, are nahi. In fact mere sath ye hua hai that I was casted for one of the shows, बट देन आई गॉट रिजेक्टेड, अरे ये तो बिग बॉस में आई थी,
सो आई थिंक फॉर मी बिग बॉस ठप्पा हटाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है व्हेन यू डू हम लोग कितने 5 साल पहले हमने स्प्लिट्स वाला किया था स्टिल कई कास्टिंग में ऐसा होता है लोग बोल देते हैं कि आप एमटीवी फेसेस हैं तो दैट आल्सो मेरे लिए तो इट्स लाइक डबल इमेज क्रिएट करना बिकॉज़ आई हैव डन नेगेटिव एंड तो एवरीबॉडी हु अप्रोचेस मी इज फॉर नेगेटिव एंड आई लेफ्ट द शो फॉर द मेन रीजन दैट आई डोंट वांट टू डू नेगेटिव सो आई थिंक पीपल टाइपकास्ट यू एंड दे डोंट वांट टू entertain you in that manner ki they don't want to see new thing in life they just want to are ye kar raha hai wo to isko le lo agar wo kar raha hai usne wo kiya tha to kar lo so they don't want to even see if the actor is performing or not so yeah thank you janta ho gaya kya abhi ye mai ja raha hai ab mere se bhi sawal mat puchna kuch la puchna main apne liye apne bol